हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सीधे मौत से, जो एनको रेवी जे हैं उनकी तरफ से। तो वो यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर बात की हुई थी, जो उन्होंने अभी एम सी स्टैन के साथ कोलैब किया हुआ है उसके बारे में। साथ ही उन्होंने नेपाली हिप हॉप के बारे में भी क्या बात की हुई है आप खुद देख सकते हो। उसको गाना भेजा उसने, दो तीन दिन में वर्स भेजा से, इसको बोला भाई यार जल्दी से कर दे इसको, क्या बोलते हैं प्लीज़। तो भाई ने भी अपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी दो तीन दिन में मिक्स करके भेज दिया। तो भाई बहुत ही सही कोलैबोरेटिव एफर्ट था, मतलब सेल्स की तरफ से भी, क्या बोलते हैं स्टैन की तरफ से भी, उन्होंने भाई टाइम पे करके दिया जल्दी जल्दी, दो दो दिन में मिक्स, दो दो दिन में वर्स, यू नो। तो ऋतविक के बाद अगला कब भाई, शिट इज़ अबाउट टू पॉप, क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी तुम्हें अगर पता ही होगा अपना स्प्री चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करो, अनाउंस करेंगे अभी। सीधे मौत नेशन इज इंक्रीजिंग, फक यह ईच एंड एवरी फकिंग डे ब्रो, सीधे मौत नेशन बढ़ेगा भैनचोद, क्यों नहीं बढ़ेगा, किसी की माँ थोड़ी चोदी है, अच्छा म्यूजिक बनाया और क्या करे, है ना। कभी किसी कोई लेकिन वो चूतिया मसाला नहीं खाया, नहीं कहीं मसाला फेंका, बस म्यूजिक बनाया और अच्छी वाइब्स फेंकी है और गांड फाड़ बार्स फेंके हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे ऊपर। ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बट मदरफकर्स टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पे है तुम्हारी माँ की आंख भाई, टोक्यो के बिलबोर्ड पे तुम्हारी माँ की आंख, लंदन के बिलबोर्ड पे है, एलए के बिलबोर्ड पे तुम्हारी माँ की आंख ब्रो, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो भाई। एरोप्लेन सॉन्ग का क्या हुआ भाई, वो एल्बम का प्रोजेक्ट है यार, एल्बम वाले गाने जब निकलने चालू होंगे तभी निकाल सकते हैं, उससे पहले अभी ऋतविक वाली एल्बम आनी है तो उसका वेट कर रहे हैं। यूज़ ऑन नेपाली हिप हॉप, नेपाली हिप हॉप इज डोप एस फक भाई, जब इंडिया वालों को लंडन कुछ नहीं पता तो भाई नेपाल हिप हॉप इतना गांड फाड़ता है, और नेपाल हिप हॉप हमेशा टाइम से आगे रहा है इंडियन हिप हॉप से, जहाँ तक देखी जाए उनका उनका क्राउड और कितने टाइम से लोग एंगेज थे उस चीज़ में। लाइक नेपाल में पीपल फॉलो दिस शिट ब्रो, लाइक नेपाल में भाई गांड फाड़ देते हैं लोग भाई, नेपाल में लोग बैटल देखने के लिए उस टाइम पे भैनचोद भर भर के देख रहा हूँ मैं, 200 लोगों का क्राउड आ रहा है भाई, वीडियोज़ डली हुई है नेपाली हिप हॉप बैटल रैपर्स फकिंग फीमेल बैटल रैपिंग 10-10 साल पहले, और 200 लोग हैं भाई बीच में घूम रहे हैं। इंडिया में भाई अगर यहाँ बैटल रैप चल रहा होगा पीछे लोग हंस रहे होंगे भाई सड़क पे, यही चलता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर ऑफेंस लेते हैं लोग, लोग यहाँ पे चीज़ें पर्सनली लेते हैं और यहाँ मसाला बिकता है और यहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है दूसरे लोगों का कि हैं चूतिया चूतिया चूतिया, समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी सिस्टम करती है, बट फक इट, तुम करते रहो, बढ़ते रहो, बस यही बता रहा था तुम्हें पॉइंट। नेपाली हिप हॉप इज द शिट भाई, ऑल द लव टू फकिंग नेपाली हिप हॉप। तो सब पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था, अगर यूपी और दिल्ली के लौंडों को ये रेप केस देख के खून नहीं खोल रहा है तो डूब के मर जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ेगा, जिनकी जिंदगी पे फर्क पड़ा है वो इंस्टा पे नहीं है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है इक्कापा जी की तरफ से। तो इक्कापा जी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि आप देख सकते हो उनके 11 ट्रैक रेडी हैं और उनके उन्होंने नाम छुपाए हुए थे और टाइटल भी छुपाया हुआ था ऊपर का, मतलब कि फोल्डर का नाम, तो हो सकता है उनकी एल्बम रेडियो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सेवन बंटाई की तरफ से। तो सेवन बंटाई ने अपने नए सॉन्ग का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसका नाम है हैंड्स अप, और ये जो सॉन्ग है ये हमको 5 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है हरकत वाला फरदीन की तरफ से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था हरकत वाला फरदीन और सेव रिएक्शन के बारे में, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हरकत वाला फरदीन गए हुए थे सेव रिएक्शन के घर पर उनके पेरेंट्स के साथ में, और उन्होंने ये वीडियो मतलब कि उनके इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है। क्या हो गया सुनो, एक मिनट रुक जा, सुनो कला ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, देखो सुनो ना, वो भी आनी चाहिए उसके साथ ही है। मेरे सामने बारों में नहीं, महिलाओं में नहीं, आप थोड़ी बेटा चल बैठे दूसरों की माँ खाना, हम लोग भी गलत लोग नहीं। तू मेरे को एड्रेस दे दिया पर रूम नंबर नहीं बताया, क्यों रूम नंबर तेरे को मालूम नहीं था क्या? क्यों तेरे को क्या बोल रहा है? देखो लेकिन गाली क्यों दिया बेटा, क्या वजह क्या है गाली देने का? मेरी गाली देने से अगर आप वो पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हरकत वाला फरदीन का ये कहना है कि उनके पेरेंट्स ने वो वीडियो देखी हुई थी जिसमें कि शिव रिएक्शन ने गाली दी हुई थी उनको, तो उनके कहने पर वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जो शिव रिएक्शन है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो हंसने के इमोजी के साथ में, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था, कमेंट पढ़े मैंने, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दोस्तों, सब बढ़िया है, प्लानिंग को समझो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। तो योयो हनी सिंह की जो वाइफ है शालिनी तलवार करके, उन्होंने योयो हनी सिंह के खिलाफ एक केस फाइल किया हुआ है और बाकी आप पूरा पोस्ट करके पढ़ सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार और फतेह सिंह का जो सॉन्ग है कैच अप, उसका म्यूजिक वीडियो हमको 6 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही जो रफ्तार है उन्होंने इसको शेयर करते हुए लिखा हुआ था, हु इज रेडी फॉर दिस वन। और साथ ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि एक प्रसन्न करके हैं जिन्होंने की ट्वीट वगैरह किए हुए हैं कि रफ्तार की मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की हुई है। इसके बाद जो कलमकार का स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो इसके बाद जो प्रसन्न है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक स्टोरी डाली जिसमें कि आप देख सकते हो वो सेंट्रल क्राइम स्टेशन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, गॉट ऑक्यूपाइड हियर रिगार्डिंग द कंप्लेंट आई वी मेड, विल अपडेट माय साइड ऑफ स्टोरी वंस आई एम फ्री फ्रॉम हियर। तो अगली जो न्यूज आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से, तो एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था आप देख सकते हो, और इस पर उन्होंने सूरज पंचोली को मेंशन किया हुआ था और नीचे जो कैप्शन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, मोस्ट पीपीएल वॉन्ट सपोर्ट अंटिल दे सी इट्स पॉपुलर टू सपोर्ट। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमईवे की तरफ से। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो मिंटा है उन्होंने एक डिस्ट्रैक शेयर किया हुआ है जो कि जेमिनेम बमाई करके है उनका डिस्ट्रैक था और उन्होंने एमईवे को भी वो स्टोरी भेजी हुई थी। तो एमईवे ने लिखा हुआ है, तुम डेंजर हो, और आप देख सकते हो माइनस वाला स्टीकर लगाया हुआ है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है मुक्तके की तरफ से। तो मुक्तके ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था, गेट रेडी, तो यहाँ पर हो सकता है जल्दी इनका सॉन्ग हमको देखने के लिए मिले। इस वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।